ठीक है, हमारे जो फुट सेफ्टी है, पाँव की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे आँखों के बाद जो नाजुक और हसास हिस्सा है, जो मेजर पार्ट है, वो हमारे पाँव हैं, ठीक है। और शूज़ के बारे में कि हम दूसरा एक स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं, जिस तरह मैंने पहना हुआ है, ये स्पोर्ट शूज़ है। आप लोगों ने जो पहना हुआ है वो क्या है? सेफ्टी शूज़ है। इनमें कोई डिफरेंस है? सेफ्टी शू स्पोर्ट शूज़ हमेशा बनाया जाता है, इसमें कुछ जाली रखी जाती है इसकी बनावट में, ताकि अगर रनिंग करनी है, वॉक करनी है, तो इसके अंदर हवा का गुज़र हो, हीट प्रोड्यूस ना हो, पाँव गर्म ना हो, ठीक है। लेकिन ये है कि ये अगर मेरा पाँव किसी चीज़ को लगता है या इसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो डायरेक्ट मेरे पाँव को नुकसान होगा, ये बिल्कुल मेरे पाँव को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। समझ आ रही है? अब एक सेफ्टी शूज़ है, उसकी बनावट चेंज की है। जब इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट हुए कि इस तरह के स्पोर्ट्स शूज़ पहनने के बावजूद भी पाँव में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लोगों के पाँव कटते रहे, इंजरी होती रही, इंजर्ड होते रहे, ठीक है, डिसेबिलिटी होती रही, लोग चलने के काबिल नहीं रहे, तो फिर क्या है कि स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाया, ठीक है, सेफ्टी इस तरह का शूज़ मुतारफ़ करवाया जो हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से? अभी आप लोगों के पास जो शूज़ है वो सेफ्टी शूज़ है, और वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना हुआ है। सेफ्टी शूज़ इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब इसकी ये सामने वाली चीज़ है, देखें, अगर मैं चलता हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं चलता हूँ, अक्सर होता है कि मेरा पाँव किसी भी चीज़ में लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पाँव ज़ोर से लग जाता है, मेरा ध्यान नहीं है। पाँव के आगे जो फिंगर होती है इस तरह, उनके ऊपर नाखन होता है, नाखन क्या है, निकल जाता है, नाखन टूट जाता है, और वो कई कई महीने दर्द रहती है, पाँव में लगेगा को पाँव की उंगली जो है टूट जाएगी, ठीक है। तो क्या है, उसके लिए यहाँ पे टो प्लेट लगा दी गई आगे, ये ऊपर आपको लेदर का जो है नज़र आ रहा है, ऊपर लेदर नज़र आ रही है, और यहाँ पे इतनी जगह पे ये सारी आगे फ्रंट पे ये क्या है, टो प्लेट लगी हुई है। इसको नीचे दबाओगे नहीं दबेगा, क्यों? प्लेट लगा दी गई है इसमें, लोहे की प्लेट, जो कि आप पाँव आगे टकराएगा तो ये प्लेट टकराएगी, आपके पाँव को नुकसान नहीं होगा। समझ आ गई है? इसको पहला पार्ट कौन सा है इसका? टो प्लेट। और उसके बाद क्या है हमारा? ये सोल है इस शूज़ का, सोल है। इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि ये हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करता है? मतलब हम किसी वर्कशॉप में चले जाते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई ऐसी वर्किंग हो रही है जहाँ पे कुछ कील होते हैं, ठीक है, कोई ऐसी कांच पड़ा होता है, कोई शीशे की बोतल टूट जाती, कांच पड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर जाके इस पाँव से इस ये शूज़ अगर पहना होगा, रखूँगा, तो वो कील सीधा अंदर चला जाएगा। रबड़ का हल्का सा सोल होता है इसके अंदर, ठीक है, ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मेरे पाँव को नुकसान हो जाएगा। ये देखने में सिर्फ लुक इसकी है, बाकी इसकी सेफ्टी कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा कुछ नहीं, मेरे पाँव को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब देखें, देखने में ये भी एक रबड़ का सोल है, ठीक है, हार्ड सोल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बेस प्लेट लगा दी गई है। बेस प्लेट लोहे की बनी हुई प्लेट है, जब भी कील के ऊपर पाँव आएगा तो वो प्लेट आप वो उस कील को आपके पाँव को लगने नहीं देगी, रोक देगी। मोटी बेस प्लेट इसके अंदर क्या है, लगी हुई है, लगा दी गई है, पाँव को प्रोटेक्ट करती है। समझ आई है? और उसके बाद जो इसका पार्ट आता है, ये इसका कॉलर है, शूज़ का कॉलर है, यहाँ पे टोटली फोम लगा हुआ है, टोटल फोम है, ठीक है, सख्त नहीं है। आपने ये 8 घंटे पहनना होता है, 12 घंटे पहनना होता है ड्यूटी के दौरान, तो क्या है, ये आपके पाँव को कंफर्टेबल रखता है, पाँव को लगता नहीं है, ज़ख्म नहीं होते, तंग नहीं होते हो। कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर जब हमारा पाँव होता है तो ये हार्ड है थोड़ा सा, पाँव दर्द करता है, ठीक है, हार्ड है, ज़रूर हार्ड है, लेकिन उसका भी है सिलिकॉन जो है हील आती है, सिलिकॉन हील इतनी मिलती है, वो बिल्कुल नरम होती है, सॉफ्ट होती है। अगर उसको यहाँ पे एड़ी वाली जगह पे रख लिया जाए, हील पे यहाँ पे रख लिया जाए, तो पाँव बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, पाँव को हार्डनेस महसूस नहीं होती, पाँव दर्द
नहीं करता, वो इसका परमानेंट सोल्यूशन है, वो आप कर सकते हैं। या सॉफ्ट जो है सोल आप इसके अंदर लगा सकते हैं, समझ आ गई है। अब इसकी देखें बनावट किस तरह की है, इस शूज़ को पहन के आप आग में जा सकते हो। इस शूज़ को मैं पहन के जाऊंगा जैसे ही, तो पाँव जल जाएगा, ये पिघल के मेरे पाँव के साथ चिमट जाएगा, मुझे ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। अब इसको आप पहनेंगे तो हो सकता है हल्की हल्की स्मोग हो, कुछ देर के बाद स्मोग होना शुरू हो जाए, फायर नहीं होगी, इसको आग नहीं लगेगी, आपके पाँव को फुली प्रोटेक्ट करेगा, आप गुजर सकते हो आग वाली जगह से। और ये इसका सोल इस तरह से बनाया गया है, इसके नीचे रबड़ लगी हुई है। एक तो कोई ऑयल होता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ऑयल होता है, दूसरा इसका नीचे से ये स्लिप नहीं करता, और ऑयल क्या है, जज़ब नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑयल शूज़ के अंदर नहीं जाता, आपके पाँव को नहीं लगता। और उसके बाद इसके रबड़ सोल होने की वजह से बहुत सारी हमारी सेफ्टी, ये भी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उनको हम अगर रबड़ ग्लव्स पहन के हाथ लगाते हैं तो ज़मीन के साथ हमारा कनेक्शन कट जाता है। अभी आप खड़े हैं, आपका ज़मीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थ ज़मीन से आप, अर्थ आपकी बॉडी को नहीं जाएगा, उसकी रीज़न ये रबड़ आ चुकी है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने रबड़ के पैड मैट रखे होते हैं कि उनके ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिशियन जो है वो बिजली का काम करें, ताकि क्या है, ज़मीन के साथ कंटेमिनेशन ना हो, अर्थ जो है बॉडी में ना जाए, जिससे करंट ना लगे, समझ आ गई है। सेफ्टी शूज़ में और एक स्पोर्ट शूज़ में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंस है। इसकी कंप्लीट ये आपके पाँव की सेफ्टी है, हिफाजत है, ये इसके पार्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जब किसी चीज़ की अहमियत का आपको पता नहीं होगा, एक बंदा उसको नहीं पता सेफ्टी शूज़ में और स्पोर्ट शूज़ में फ़र्क क्या है, उसके सामने दोनों शूज़ रख दिए जाएंगे तो वो कौन सा शूज़ जो है उठा के पहनेगा, जारी सी बात है वो स्पोर्ट शूज़ उठा के पहनेगा, क्यों, दिखने में अच्छा है, लुक अच्छी है उसकी, कलरफुल है, वो उठाएगा, ये दिखता अच्छा है। सेफ्टी शूज़ को नहीं उठाएगा, वो बोलेगा ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उसको इसकी अफादियत का, इसके फ़ायदे का नहीं पता कि मेरे पाँव बच सकते हैं। इसको हम ज़रूरी नहीं इंडस्ट्रीज़ में पहने, इसको हम बाइक में ट्रैवलिंग के दौरान पहन सकते हैं, इसको हम बाहर जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे पहन सकते हैं, कोई भी हमने इवन के काम करना, ठीक है। हमारा पाँव देखें, जो बाहर लोग हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो लोगों ने ये सेफ्टी शूज़ मस्ट है, इसके बगैर तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने ही नहीं दिया जाता। कैजुअल शूज़, स्पोर्ट शूज़ जो है ये तो अलाउ ही नहीं है। तो ये फुट के जो है हमारे पाँव की इंजरीज़ और एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में होते हैं। कोई फार्मर है, वो काम कर रहा है कस्सी से, कस्सी एकदम से जो है स्लिप हो के पाँव पे लगती है, उंगली कट जाती है, देखा होगा आपने। कोई बाइक से गिरा है, उसके पाँव में इंजरी हो जाती है, ठीक है, परमानेंट LTI हो जाती है। तो ये चीज़ें इंडस्ट्रीज से बाहर भी इस्तेमाल करने की हैं, हमें दूसरों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है, हमारी इन चीज़ों से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। कोई एक बंदा भी हमारी बाहर बात पिक कर लेता है तो उसके लिए कितना फ़ायदा हो जाएगा, समझ आ गई है। ओके।